नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को लेकर वक्त वक्त पर बात करते हैं। महिलाओं और बेटियों को लेकर कई तरह की योजनाओं को भी काफी स्थान देते रहे। ऐसा ही एक फैसला प्रधानमंत्री ने लिया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को सौंप देंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज ही के दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं के जिम्मे करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। और इस दिन पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से सबसे पहला ट्वीट आया है स्नेहा मोहनदास का। वही स्नेहा जिन्होंने ट्वीट करके बताया है कि वो फूड बैंक की संस्थापक है। अब आपको जरा स्नेहा के बारे में बताते हैं। स्नेहा ने साल 2015 में चेन्नई में बाढ़ आने से पहले फूड बैंक की स्थापना की थी, जिसका एकमात्र मकसद था भूख से लड़ना और भारत को एक ऐसा देश बनाना जहां कोई भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट से जो वीडियो ट्वीट किया गया है उसमें स्नेहा ने बताया है कि उन्हें फूड बैंक खोलने की प्रेरणा कहां से मिली और कैसे ये तैयारी शुरू हुई। स्नेहा ने बताया कि दादाजी के जन्मदिन और विशेष मौकों पर उनकी माँ बच्चों को घर बुलाकर खाना बांटती थी। मुझे इसे आगे ले जाने की इच्छा हुई। स्नेहा ने बताया कि वो फेसबुक पर लोगों से जुड़ती है और फिर काम करती है। साथ ही स्नेहा ने बताया कि फूड बैंक चेन्नई नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया गया है, जिसका मकसद है कि फूड बैंक किसी तरह से आगे बढ़े। सबसे कमाल की बात यह है कि इस अपील पर भारत में इस तरह के 18 जगहों पर फूड बैंक खुले और एक बैंक दक्षिण अफ्रीका में खुला। अब जरा जानिए कि स्नेहा का फूड बैंक कैसे काम करता है। पहले फूड बैंक के वॉलंटियर्स खाने का कच्चा सामान लोगों से दान में लेते हैं और फिर भोजन बनाकर गरीबों के बीच बांटते हैं। और जो लोग अपने अपने घरों में परिवार के खाने की जरूरत से ज्यादा खाना बना लेते हैं वो फूड बैंक में जमा करा देते हैं। इधर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, हम नारी शक्ति की भावनाओं और योग्यता को सलाम करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था, मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उपलब्धियां हासिल कर चुकी 7 महिलाएं अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएंगी और आपसे बात करेंगी। इसी के साथ पीएम मोदी की इस पहल की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से की जा रही है और लोग लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे बेहतर क्या हो सकता है। मोदी को प्रणाम। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपा शाह है। दीपा जी आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को 2011 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएँ 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ, मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।